हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। मेरे चैनल रीना वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च आलू का सब्जी बनाएंगे, मसाले वाली। तो आइए बनाते हैं। शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च को काट करके ले लिए हैं। दो बड़े साइज के आलू को काट करके हमने ले लिए हैं। दो बारीक कटा हुआ प्याज लिए हैं। एक टमाटर बारीक कटा हुआ। कुछ धनिए पत्ते बारीक कटा हुआ। एक छोटा चम्मच जीरा। कुछ खड़े मसाले, दो साबुत लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी। अदरक लहसुन को कूट करके हमने ले लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे और सबसे पहले हम आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई कर लेने से आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो सब्जी इसका बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हमने 3 से 4 मिनट तक आलू को फ्राई किए हैं लो मीडियम फ्लेम पे। आलू फ्राई हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में सब्जी को बनाएंगे। तो ये आलू को हमने फ्राई करके ले लिए हैं। थोड़ा सा और हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा हम पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो ये अदरक लहसुन पक गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे प्याज टमाटर को पकाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हमारा प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो हम इसमें मसाले डालेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सारे मसाले को एक साथ अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर और इसे पकाएंगे। तो मसाले को हमें लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट तक। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे हम पकाएंगे ताकि नीचे से मसाले जले ना। और ये मसाला भून गया है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालकर अच्छे से आलू में मिला लेंगे। आलू शिमला मिर्च की सब्जी को हमें ढक करके 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 8 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को हटा करके देखेंगे सब्जी को। और ये आप देख सकते हैं सब्जी पक चुका है। सब्जी को 2 से 3 मिनट तक अभी और पकाएंगे। तो आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे सब्जी में, इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू शिमला मिर्च का सब्जी आप फटाफट लंच बॉक्स में बना करके दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं आलू शिमला मिर्च का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद करके और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सर्विंग प्लेट लिए हैं, अब हम इसी में सब्जी को निकालेंगे। शिमला मिर्च आलू का सब्जी आपने तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर खाएं बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।